सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। झारखंड के चुनावी महासमर में किस्मत आजमाने वाले कई दलों को जनता ने सिरे से नकार दिया है। न तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का ही इस चुनाव में खाता खुल सका और न ही बसपा की ही वापसी हो सकी। इसी तरह लोजपा, आप, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, समता पार्टी समेत अन्य कई छोटे दल अपना प्रभाव छोड़ने में विफल रहे। वाम दलों में सिर्फ CPIML के विनोद कुमार सिंह ही इकलौते प्रत्याशी रहे जो बगोदर फतह करने में सफल रहे। 2014 चुनाव में उन्होंने यह सीट गंवा दी थी। इसी तरह से हुसैनाबाद से NCP के कमलेश सिंह ने जीत दर्ज की है। झारखंड विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदर्शन काफी निराशजनक रहा है। AIMIM का वोट शेयर नोटा से भी कम है। AIMIM का वोट शेयर 1.16% है जबकि नोटा का वोट शेयर 1.37% है। चुनाव आयोग के वेबसाइट के मुताबिक AIMIM को सिर्फ 1,72,872 वोट मिले हैं जबकि नोटा को 2,03,706 वोट पड़े हैं। यही हाल आम आदमी पार्टी का भी है। आम आदमी पार्टी को भी नोटा से कम वोट पड़े हैं। बताते चलें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का खाता खोलने के लिए ओवैसी ने धुआंधार प्रचार किया था लेकिन ओवैसी के उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाए।